ये कहानी है एक ऐसे प्लेन की जो आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रहा था, मगर अगले ही पल उसके सामने एक ऐसा अंधेरा घना बादल आया, पायलट प्लेन को जैसे तूफान के अंदर ले गया। सामने का नजारा कुछ ऐसा था जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। जहां पर फाइटर प्लेन जमीन पर तबाही मचा रहे थे, बमबारी कर रहे थे, नजारा बिल्कुल वर्ल्ड वार टू का था। लेकिन कोई भी पायलट मानने को तैयार नहीं था कि वे टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। इतने में उनके प्लेन पर फाइटर प्लेन द्वारा अटैक होने लगा। कहानी की शुरुआत एक प्लेन से हुई। पायलट और को पायलट के बीच बातें हो रही थी कि वे जल्द ही एक घंटे के अंदर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बातें हो ही रही थी तभी पता चला प्लेन का दिशा यंत्र खराब हो चुका है। यह खबर देने के लिए कंट्रोल रूम से संपर्क किया गया। पायलट बताता है कि हमारा दिशा यंत्र और उससे जुड़ी सभी मीटर अपने आप खराब हो गई हैं। लेकिन जब कंट्रोल रूम से चेक किया गया तो पता चला सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। सामने के एयर ट्रैफिक को भी चेक किया गया तो पता चला सामने मौसम बिल्कुल ठीक ठाक है। यह सुनकर पायलट को थोड़ा संतुष्टि मिली। इनका संतुष्टि थोड़ी देर में दूर होने वाला था। जैसे उन्हें बताया गया था कि सामने का मौसम ठीक है, मगर उल्टा ही था। सामने एक बहुत बड़ा तूफान होता है जिसे देखकर एक पल के लिए दोनों पायलट डर चुके थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उन्हें क्या करना चाहिए। एक बार फिर कंट्रोल रूम से संपर्क किया गया मगर कोशिश नाकामयाब रही। संपर्क हुआ ही नहीं, उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी। प्लेन तूफान की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब इनके पास उस तूफान से होकर गुजरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सभी पैसेंजर को अलर्ट किया जाता है, सभी अपनी सीट पर आकर सीट बेल्ट लगाकर बैठ जाएं। सभी पैसेंजर बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अब उनका प्लेन तूफान के बिल्कुल करीब आ चुका था। थोड़ी देर में प्लेन तूफान के अंदर एंटर कर जाता है। तूफान में जाते ही प्लेन पूरी तरह से हिलने लगा। इस सिचुएशन से अब पैसेंजर भी डरने लगे थे। कमजोर दिल के लोग तो चिल्लाने लगे बिल्कुल मेरी तरह, ऐसा होता भी क्यों नहीं। पायलट और को पायलट के अंदर भी डर था, मगर फिर भी हिम्मत करके प्लेन को उस तूफान के पार ले जाने की कोशिश करने लगे। थोड़ी देर में जब प्लेन दूसरी तरफ आया तो मालूम पड़ा सामने तो सब कुछ नॉर्मल है। उनका प्लेन भी वाइब्रेट करना बंद कर दिया था। लेकिन सबसे अजीब बात तो यह थी, तूफान के पहले दिन था लेकिन तूफान को पार करते ही रात हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा कायम है। अब तो इनके प्लेन के सारे डिवाइस भी काम करना बंद कर चुके थे। कंट्रोल रूम से भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, मगर रेडार अभी भी काम कर रहा है। पर वह सिर्फ आसपास के सिग्नल को ही डिटेक्ट कर सकता था। लेकिन जब कुछ मील आगे बढ़े तो उनके रेडार में कुछ फाइटर प्लेन दिखाई पड़े जिसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। दोबारा से कंट्रोल रूम में कॉन्टैक्ट किया गया मगर उनका कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रहा था। लेकिन उम्मीद अभी भी थी ये जल्द ही कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे और प्लेन को भी लैंड कर पाएंगे। बार बार संपर्क करने की कोशिश भी की गई मगर कोई फायदा नहीं। उस फाइटर प्लेन को देखकर को पायलट अपने सीनियर पायलट को बताता है कि हमारे आसपास जो जहाज हैं ये कोई नॉर्मल जहाज नहीं है, बल्कि ये हैं सबके सब फाइटर प्लेन्स। जब प्लेन को बादलों से थोड़ा नीचे ले जाया गया तो नीचे का मंजर देखकर सभी के पसीने छूटने लगे, क्योंकि ऊपर जितने भी फाइटर प्लेन थे वे सबके सब नीचे शहर पर बमबारी कर रहे थे। चारों तरफ तबाही मची हुई थी, बिल्डिंग तबाह हो रहे थे। नजारा देखकर ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। कुछ पैसेंजर भी ये नज़ारा देख लेते हैं लेकिन स्टाफ सभी को शांत कराने की कोशिश कर रही है कि आप लोगों की डरने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन सच क्या है वो तो पायलट और को पायलट को ही पता है। दोनों बुरी तरह से घबराए हुए थे, अभी तक उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया है आखिर चल क्या रहा है। ये तो दिन में टेक ऑफ किए थे, वह तूफान कैसा था, अचानक से रात कैसे हो गई। लेकिन पायलट को पता है उन्हें जल्द से जल्द लैंडिंग करनी होगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्लेन का फ्यूल जल्दी खत्म हो जाएगा। अब तो पैसेंजर भी नीचे का नज़ारा देखकर कुछ ज़्यादा ही सच जानने के लिए उतावले हैं। स्टाफ उन सबको शांत कराने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ कोई शांत होने वाला नहीं था। इसी बीच प्लेन के दो पैसेंजर को देखते जो इतिहास के काफ़ी जानकार हैं, दोनों उस फाइटर प्लेन को भी देखे थे जो कुछ समय पहले उनके पास से उड़ रहा था। फाइटर प्लेन को देखकर उसके बारे में अपने किताब में पढ़े तो ये सब समझ चुके थे आखिर हो क्या रहा है। ये पायलट के पास जाना चाहते हैं लेकिन स्टाफ उन्हें पायलट तक नहीं जाने देती, उन्हें रोकती है। दोनों इतिहासकार के समझाने के बाद आखिर में वे पायलट तक पहुंच गए। सीनियर पायलट को बताते हैं कि कुछ समय पहले जो फाइटर प्लेन हमारे पास से गुजरे थे उन्हें सन 1945 के बाद से बनाना बंद कर दिया गया था। जो भी प्लेन्स बने थे वे द्वितीय विश्व युद्ध में खराब हो चुके थे या तबाह हो चुके थे। लेकिन कैप्टन तो पहले से ही परेशान थे इसलिए वे कहना क्या चाहते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए पहले उन दोनों को यहाँ से जाने को कहते हैं। दोनों इतिहासकार तो यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम समय यात्रा करके वक्त में पीछे आ चुके हैं, शायद ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय सन 1940 है। पायलट टाइम ट्रेवल के बात पर विश्वास करने वाले में से नहीं था, मगर फिर भी सिचुएशन के हिसाब से उन्हें कुछ वक्त देता है कि वे प्रूव करके बताएं कि हम टाइम ट्रेवल करके 1940 में आ गए हैं।
लेकिन यह बात पैसेंजर में नहीं जानी चाहिए, इसलिए दोनों इतिहासकार वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गए। लेकिन उन दोनों की बात कैप्टन के दिमाग में अब भी खटक रही थी, क्या यह सच में टाइम ट्रेवल करके समय में पीछे तो नहीं आ गए? आखिर सच क्या है और झूठ क्या, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिलहाल अब इनका प्लान आगे बढ़ रहा था। कुछ समय बाद रेडियो से इनका संपर्क एक आर्मी ऑफिसर से हुआ। आर्मी ऑफिसर सबसे पहले कैप्टन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है, यह इसलिए क्योंकि आर्मी ऑफिसर को लगने लगा ये दुश्मन का जहाज है। पर कैप्टन उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और मदद भी मांग रहे हैं। आर्मी ऑफिसर भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है, वह उनकी मदद करे या फिर नहीं उसे पता भी नहीं प्लेन में उनके साथ कौन कौन है। कैप्टन को इतिहासकार की बात याद आई, इसलिए सबसे पहले आज की तारीख पूछता है। तो आर्मी ऑफिसर कहने लगा, क्या मजाक कर रहे हो, यह भी कोई पूछने की बात है? आज 17 जून 1940 है। ये तारीख सुनकर कैप्टन के दिमाग का ढक्कन ही खुल गया। वे कई बार यही प्रश्न किए लेकिन जवाब यही मिल रहा था। इस तरह दोनों पायलट के होश उड़ चुके थे, उन्हें यकीन हो चुका है कि सच में वह टाइम ट्रेवल कर चुके हैं, समय यात्रा करके 2015 से 1940 में आ चुके हैं, क्योंकि जब उन्होंने प्लेन को टेक ऑफ किया था तो वक्त सन 1915 का था, यानी ये 75 साल अतीत में आ चुके थे। सब सच जानने के लिए कैप्टन दोनों इतिहासकारों को दोबारा बुलवाते हैं, जिन्होंने कहा था कि वे समय यात्रा करके पास्ट में आ चुके हैं जहां द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। यह इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उन दोनों को पता है इतिहास में कौन कौन सी तारीख पर कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। अब दोबारा से उस आर्मी ऑफिसर से कांटेक्ट किया गया, उसे अपने बातों पर यकीन दिलाने के लिए 1940 में घटी एक घटना के बारे में बताते हैं कि एक बहुत बड़ा शिप डूबने वाला है, जिसे सुनकर आर्मी ऑफिसर हैरान हो गया, इसलिए सबसे पहले जाकर अपने सीनियर ऑफिसर को सारी बातें बताया। वहीं ऊपर दोनों इतिहासकार टाइम ट्रेवल का रीजन बताते हैं कैप्टन को कि मौसम में कुछ ऐसी खराबी आई, कुछ ऐसे चेंजेज आए जिससे हम 2015 से 1940 के वक्त में आ गए हैं। अब तो कन्फर्म हो चुका था इनका पूरा का पूरा प्लेन पैसेंजर के साथ समय यात्रा कर चुका है, वह भी उस वक्त में जब वर्ल्ड वार 2 का समय चल रहा है, यानी उनके जान का खतरा है। इतिहासकार को अच्छी तरह पता है वे इस वक्त के नहीं हैं, इसलिए उन्हें सही समय का इंतजार करना चाहिए, फिर वे अपने टाइम में वापस चले जाएंगे। लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं था क्योंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध का समय है। हवा में उड़ रहे फाइटर्स प्लेन्स कब उन्हें अपना दुश्मन समझकर हवा में उड़ा दें कुछ पता नहीं। कुछ भी हो जाए उन्हें अपने समय में वापस जाने के लिए खुद की सुरक्षा करनी होगी। अगर ये अपनी जान बचाने में कामयाब हुए तो जरूर अपने समय में जा सकते हैं, इन्हें इस बात का भी ध्यान रखना है। यह बात पैसेंजर के बीच नहीं जानी चाहिए, पर इन्हें कहां पता था एक पैसेंजर छुपकर इनकी सारी बातें सुन लिया है, जो बुरी तरह से घबराया है। वह तुरंत जाकर सारी बातें सारे पैसेंजर को बताने लगा, लेकिन कोई भी पैसेंजर उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, बल्कि उस पर हंसने लगे। हंसते भी क्यों ना, उसकी जगह कोई भी होता उसके लिए यह एक वाहियात बात ही लगती, लेकिन उनमें से कुछ लोग थे जो उसकी बात मान गए। जब माहौल लोगों के बीच गंभीर होने लगा तो उसी प्लेन में सफर कर रहे दो सोल्जर सबको शांत होकर चुपचाप अपने सीट पर बैठने को कहते हैं, लेकिन वह लड़का जो सबको बता रहा था कि हमने टाइम ट्रेवल किया है, वह थोड़ा हाथापाई करने लगा, लेकिन सोल्जर कान के नीचे एक कनपट्टी लगाकर शांति से बैठा दिया। अब पायलट फिर से सोल्जर से कांटेक्ट करते हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वह सिर्फ डूबने वाला है, आपकी इन्फॉर्मेशन सही थी, आपकी वजह से हमारे कई लोगों की जानें बच गई, वरना सबके सब जहाज के साथ डूब गए होते। बताओ मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, इसलिए पहले बताओ तुम्हारा लोकेशन क्या है। मगर टकले को कहाँ पता था कि उसका लोकेशन है कहाँ, क्योंकि उनके जो मीटर है वे सब बंद पड़ चुके हैं। अपनी लोकेशन दिखाने का उनके पास एक आइडिया आया, प्लेन के जितने भी बाहरी लाइट्स थे सब ऑन कर दिए। लाइट्स ऑन करने के बाद उनका प्लेन दूर से ही दिखाई देने लगा, लेकिन वहाँ तक नहीं जहाँ आर्मी ऑफिसर्स है। उनके साथ कुछ अच्छा तो नहीं हुआ, मगर बुरा होने का वक्त आ चुका था। आसमान में जो बहुत सारे फाइटर प्लेन्स उड़ रहे थे उनकी नज़र प्लेन पर पड़ गई। आसपास के सारे फाइटर प्लेन एरोप्लेन की तरफ बढ़ने लगे, उन्हें लगने लगा यह उनके दुश्मन का कोई सुपर एरोप्लेन है, क्योंकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस प्लेन में थी इस तरह की टेक्नोलॉजी का आविष्कार 1940 में अभी तक नहीं हुआ था। सभी फाइटर्स प्लेन एरोप्लेन पर फायरिंग करने लगे, मगर कैप्टन को पता है उन्हें इन फाइटर्स प्लेन से कैसे छुटकारा पाना है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। प्लेन को जितने कम समय में टर्न किया जा सकता है उतनी तेजी से इस टाइम के फाइटर प्लेन मूव नहीं कर सकते थे, इसलिए पायलट प्लेन को अचानक से नीचे की तरफ ले जाने लगा। यह देख फाइटर प्लेन भी उनका पीछा करने लगे, फायरिंग भी लगातार चल रही थी। एरोप्लेन अब और नीचे जाता इससे पहले पायलट और को पायलट दोनों पूरी तरह से अचानक से प्लेन को ऊपर की तरफ ले जाने लगे। जैसा कि फाइटर प्लेन के अंदर इतनी जल्दी मूव करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसके बावजूद भी जब जबरदस्ती हीरो बनने की कोशिश किए तो फाइटर प्लेन ही ब्लास्ट हो गए, कुछ तो जमीन पर आकर टकराकर ब्लास्ट होने लगे। लेकिन पायलट और को पायलट के सामने समस्याएं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उनकी प्लेन का फ्यूल जल्दी खत्म होने वाला था। आगे कुछ समझ पाते इतने में दो और फाइटर प्लेन उन पर हमला करने लगे। हमला इतना खतरनाक था प्लेन के कई सारे विंडो भी टूट गए।
खिड़कियों की टूटते ही हवा की वजह से प्लेन का बैलेंस और भी बिगड़ने लगा। प्लेन में जो दो इतिहासकार थे उनका मानना था, अगर हमें आर्मी लोगों से मदद चाहिए तो अपनी टेक्नोलॉजी रडार को पैराशूट की मदद से उन तक पहुंचाना होगा ताकि हमारी लोकेशन पता कर सके। इसके लिए उन्हें एक बड़ा सा थैला चाहिए था। पैसेंजर से पूछा गया, आपके पास थैला है? तो एक बुजुर्ग आदमी जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें सारी चीजें दे रहा था जिसकी उन्हें जरूरत थी। मालूम तो ऐसा पड़ रहा था जैसे उसे पहले से ही पता है कि इन सबको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब रडार का सारा सामान पैक करके पैराशूट की मदद से नीचे फेंक दिया गया। पैराशूट जब नीचे गया तो आर्मी ऑफिसर्स को मिलने की बजाय उनके दुश्मन सैनिकों को मिल गया, क्योंकि कैप्टन उस आर्मी ऑफिसर से रेडियो की मदद से जब बात कर रहे थे तो उनकी सारी बातें दुश्मन भी सुन रहे थे। लेकिन समय रहते वे लोग दुश्मन सैनिकों को मारकर रडार के सारे सामान को ले जाकर इंस्टॉल किए। अब रडार की मदद से उन्हें पता है कि उनका प्लेन कहां पर है। आर्मी ऑफिसर्स कैप्टन और को पायलट को पल पल की खबर दे रहा था, जिसकी मदद से कैप्टन प्लेन को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने में कामयाब हुए। उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। माहौल तो ऐसा हो गया था, प्लेन तो हवा में ही तबाह हो जाएगा। प्लेन तो कई जगह से ध्वस्त भी हो चुका है, मगर अब भी प्लेन सही सलामत चल रहा है। आर्मी ऑफिसर्स की आगे की प्लानिंग प्लेन को वहीं कहीं लैंड करना था, मगर ऐसा होता अचानक से उनके सामने सेम उसी तरह का तूफान आया जैसे उनके सामने पहली बार आया था। उन्हें समझ में आ चुका है अगर उन्हें अपने टाइम में जाना है तो इस तूफान को पार करना होगा। दोनों पायलट ऐसा ही करते हैं, प्लेन को लेकर तूफान की तरफ बढ़ने लगे। प्लेन जैसे ही तूफान के अंदर गया, प्लेन पहले की तरफ वाइब्रेट होने लगा। थोड़ी देर बाद प्लेन जब तूफान से बाहर निकला तो एक बार फिर ये सब अपने टाइम सन 2015 में आ चुके थे। इस लंबे सफर में प्लेन का फ्यूल भी खत्म हो चुका था। प्लेन तो क्रैश होने के कगार पर आ चुका है, मगर इससे पहले उन्हें रनवे मिल गया जिस पर कैप्टन बड़ी आसानी से प्लेन को लैंड कर लिए। प्लेन की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन सभी लोग सुरक्षित थे। एक एक करके सभी पैसेंजर प्लेन से बाहर आने लगे। आखिर में एक बूढ़ा आदमी बचा था जो एक डायरी लिख रहा है। यह वही है जो उन्हें बड़ा सा थैला और भी कुछ सामान रडार को नीचे तक पहुंचाने में मदद किया था। दरअसल ये बूढ़ा आदमी वही आर्मी ऑफिसर है जिसकी मदद से ये प्लेन को अपने टाइम में वापस ला पाए हैं। उसे पहले से ही पता था कि 2015 में कोई प्लेन टाइम ट्रेवल करके 1940 में जाएगी, इसलिए वह इस प्लेन में बैठा और यही वजह थी कि वह सारी चीजें अपने साथ ले गया था जो इसके हिसाब से उनके काम आ सकती थी। तो यह थी फाइटर वर्ल्ड वार 2 की स्टोरी। कमेंट में जरूर बताएं आपको कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा। फिलहाल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।